जय श्री कृष्णा, राधे राधे। धनतेरस 2023 पर खरीदारी का समय क्या है? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? धनतेरस पर कौन सी चीज़ें खरीदना शुभ माना जाता है? धनतेरस की पूजा विधि। धनतेरस पर कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए आपको। धनतेरस पर दीपदान और धनतेरस का महत्व क्या है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। धनतेरस से संबंधित पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना है आपको। धनतेरस 2023 कब मनाया जाता है? हर वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि पर भगवान धन्वंतरी सोने के कलश के साथ प्रकट हुए थे। साथ ही त्रयोदशी के दिन ही आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी जी की जयंती भी मनाई जाती है। इस साल 10 नवंबर को धनतेरस है। धनतेरस पर नई चीज़ों को खरीदने का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी धनतेरस के दिन खरीदारी करता है उसके घर पर सुख और समृद्धि आती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई वस्तुएं कई वर्षों तक शुभ फल प्रदान करती हैं। धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए? क्या खरीदने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है? धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा बर्तन वाहन और कुबेर यंत्र खरीदना शुभ होता है। इसके अलावा झाड़ू खरीदना भी अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन झाड़ू खरीदने से माँ लक्ष्मी मेहरबान रहती है। वहीं यदि धनतेरस के दिन आप कोई कीमती वस्तु नहीं खरीद पा रहे हैं तो साबुत धनिया जरूर घर ले आएं। ऐसा माना जाता है कि इससे धन की कभी कमी नहीं होती और इसके अलावा आप गोमती चक्र भी खरीद सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। धनतेरस पर आप धातु से बना कोई पानी का बर्तन खरीद सकते हैं। इस दिन गणेश जी और लक्ष्मी जी की अलग अलग मूर्तियां खरीद सकते हैं। खील बतासे और मिट्टी के दीपक जरूर खरीदें इस दिन। धनतेरस के दिन ऐसी वस्तुएं खरीदने से आपके धन संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त। 10 नवंबर को धनतेरस पर सुबह 11:43 से 12:26 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। शुभ चौगड़िया धनतेरस पर सुबह 11:59 से दोपहर 1:22 से शुभ चौगड़िया का अच्छा मुहूर्त है। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल शाम 5:30 से शुरू होकर 8:08 तक रहेगा। वृषभ काल शाम 5:47 से 7:47 तक रहेगा। धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए जिससे खरीदने से अशुभ माना जाता है? इस दिन लोहा या लोहे से बनी वस्तुएं घर पर लाना अशुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार आप धनतेरस के दिन लोहे से बनी कोई भी वस्तु घर लाते हैं तो घर में दुर्भाग्य का प्रवेश होता है। धनतेरस पर एल्यूमिनियम या स्टील की वस्तुएं न खरीदें। मान्यता है कि स्टील या एल्यूमिनियम से बने बर्तन या अन्य कोई सामान खरीदने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। ज्योतिष के अनुसार यदि आप धनतेरस के दिन घर में कोई भी प्लास्टिक की चीज़ लेकर आएंगे तो इससे धन के स्थायित्व और बरकत में कमी आ सकती है। इसलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक की वस्तुएं भी ना खरीदें। धनतेरस के शुभ अवसर पर शीशे या कांच की बनी चीज़ें भी बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। ज्योतिष के अनुसार धनतेरस के दिन चीनी मिट्टी या बोन चाइना की कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस पर कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिसके करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है और धन में 13 गुना वृद्धि होती है और बीमारियां दूर हो जाती हैं। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी, कुबेर, यमराज और भगवान गणेश जी की पूजा करें। धनतेरस के दिन घर और बाहर 13 दीपक जलाने से बीमारियों को दूर किया जा सकता है। दान करना पुण्य कर्म है। माना जाता है कि दान करने से पिछले जन्म के पाप धुल जाते हैं। धनतेरस के दिन दान करने का विशेष महत्व होता है।
इस दिन यदि आप सूर्यास्त से पहले दान करते हो तो आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। हालांकि इस दिन सफ़ेद कपड़ा, चावल, चीनी आदि का दान नहीं करना चाहिए। धनतेरस पर पशुओं की पूजा करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। धनतेरस की पूजा विधि। धनतेरस की शाम को उत्तर दिशा की ओर कुबेर और धन्वंतरी की स्थापना करें। दोनों के सामने घी का एक मुखी दीपक जलाएं। कुबेर को सफ़ेद मिठाई और धन्वंतरी को पीली मिठाई चढ़ाएं। पहले ओम ही कुबेराय नमः का जाप करें, फिर धन्वंतरी स्त्रोत्र का पाठ करें और प्रसाद ग्रहण करें। दिवाली के दिन कुबेर को धन के स्थान पर रखें, धन्वंतरी को पूजा वाली जगह पर स्थापित करें। धनतेरस पर दीपदान अवश्य करें। धनतेरस के दिन यम के लिए आटे का चौमुखा दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। दीपक जलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर यम का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन यम देवता की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। धनतेरस पर घर का मुख्य द्वार कैसा हो? धनतेरस पर मुख्य द्वार में दोनों ओर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर लगाएं। धनतेरस से लेकर भैया दूज तक घर के मुख्य द्वार में वंदन वार लगाएं। घर के मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी के प्रतीकात्मक चरण जरूर लगाएं। धनतेरस से दीपावली तक रोजाना मुख्य द्वार पर बाईं ओर घी का दीपक जलाएं। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।